मैं संजीव शर्मा, राज्योपाध्यक्ष NPC हिमाचल प्रदेश। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एवं उनके पूरे मंत्रिमंडल एवं सभी कांग्रेस के विधायकों का दिल की गहराइयों से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं इसके साथ हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और इस हमारे 20 वर्षों से चली आ रही मांग को हम अपने घोषणा पत्र में डाला और आज जो कि इसको उन्होंने पूरा किया। इसके साथ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम इस चीज़ को शुरुआत की, उन्होंने कर्मचारियों को पीड़ा को समझा और इस चीज़ को बहाल किया। मैं प्रदेश सरकार का इसलिए भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज लोहड़ी का पर्व है और इसको पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के इस त्यौहार में हमारी खुशियों को 100 गुना बढ़ा दिया है। आज का दिन ऐतिहासिक शब्दों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज लोहड़ी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें OPS का तोहफा दिया है।